BRICS itself is a statement of how profoundly the old order is changing. At the same time, many iniquities of the past also continue. ये जो फुटेज है, ये वीडियोस, ये इमेजेस, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल, क्योंकि दुनिया मान रही है कि पहली बार हम ब्रिक्स करेंसी का नोट देख रहे हैं, और ये नोट खुद व्लादिमीर पुतिन पकड़कर घूम रहे थे ब्रिक्स समिट के दौरान। ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिख जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, और आप नोट करना, इनके हाथ में एक पेपर है, ये पेपर सबको दिखा रहे हैं कि देखो ब्रिक्स करेंसी, देखो ब्रिक्स में चाहते ना चाहते यार कुछ भी हो पाकिस्तान की फजीयत हर जगह हो जाती है। फिर से बेचारे पाकिस्तान की फजीयत हो गई। वो एक ऐसी मक्खी है जो जहां भी गुड़ देखती है वहां पे भिनभिनाने लगती है, या ये एक ऐसा फकीर है जहां भी भीड़ या जलसा देखता है वहां बाहर कठोरा लेके बैठ जाता है। तो पाकिस्तान ये सोच रहा है इतने दिन से, यार IMF का कोटा पूरा हो गया, यार वर्ल्ड बैंक का भी पूरा हो गया, जो व्यक्तिगत रिश्तों में लोगों से भीख मांगनी थी वो भी पूरी हो गई, यार अब मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स प्लस का बैंक है ये कुछ सुना है पैसे वैसे दे रहा है तो चल के मैं ब्रिक्स का मेंबर बन जाऊं। लेकिन सुनते हैं कि मोदी जी ने फुट डाउन कर दिया कि जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, यानी चाइना, रशिया, इंडिया एंड ब्राजील, इसके अलावा इनकी अनुमति के बिना या सबकी सहमति के बिना नए मेंबर नहीं जोड़े जाने चाहिए। रशिया इस वक्त क्या, रशिया ब्रिक्स को, ये भी एक एंटी और एंटी नेटो और एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रशिया अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस खिते के अंदर? तीसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि जयशंकर साहब ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वहीं ब्रिक्स समिट के अंदर पुतिन ब्रिक्स करेंसी लहराते हुए नजर आए। हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले एक दो साल के अंदर कहीं ना कहीं आपको ब्रिक्स की करेंसी देखने को मिल जाएगी। अमेरिका ने जब चाहा उस कंट्री पे सैंक्शन लगा दिया, क्योंकि ये डॉलराइजेशन की वजह से था, लेकिन अब डी डॉलराइजेशन होना बाकी है और ये हो भी रहा है। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। जो फुटेज है, ये वीडियोस, ये इमेजेस, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल, क्योंकि दुनिया मान रही है कि पहली बार हम ब्रिक्स करेंसी का नोट देख रहे हैं, और ये नोट खुद व्लादिमीर पुतिन पकड़कर घूम रहे थे ब्रिक्स समिट के दौरान। ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिख जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, और आप नोट करना, इनके हाथ में एक पेपर है, ये पेपर सबको दिखा रहे हैं कि देखो ब्रिक्स करेंसी, देखो। नाउ दुनिया ने यहाँ पर ये अज्यूम कर लिया इनिशियली कि व्लादिमीर पुतिन खुद ये नोट प्रिंट करके आए हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसी होगी ब्रिक्स करेंसी। मगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, ये जो नोट है ना, ये किसी ने व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट किया था ड्यूरिंग द समिट, और फिर व्लादिमीर पुतिन ये नोट बाकी को दिखा रहे थे कि देखिए लोग ये भी अब आज के समय एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं कि ब्रिक्स की करेंसी होगी और नोट कुछ हद तक ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो नोट है जिसका डिजाइन आज से कई महीने पहले इंटरनेट पे सामने आया था, ये बन चुकी है ऑफिशियल ब्रिक्स करेंसी। ये एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक कुछ ऑफिशियल हुआ नहीं है, बट हाँ व्लादिमीर पुतिन जो ये नोट लहरा रहे थे, जिस तरीके से इनको ये नोट का डिजाइन पसंद आया, पॉसिबिलिटी देखिए लगातार बढ़ती जा रही है कि इवेंचुअली एक या दो साल में ब्रिक्स करेंसी या फिर ब्रिक्स डिजिटल करेंसी जैसी कोई चीज दुनिया के सामने जरूर आएगी। बट अभी के लिए जो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है ना, ये डिजाइन किया गया है, ये बिल्कुल रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काफी बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, व्लादिमीर पुतिन खुद ये नोट लहरा रहे थे, बट ये ऑफिशियल डिजाइन अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है। इधर आप देख पाओगे जो पांच मेन ओरिजिनल मेंबर हैं ब्रिक्स के, उनके झंडे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से डॉलर को अमेरिका एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ब्रिक्स के पीछे और हर संगठन के पीछे साथियों पहले अपना स्वार्थ होता है। जैसे हमारे शंकर जी ने कहा कि I am now, जब उनसे पूछा गया आप इधर भी हो, उधर भी हो, उधर भी हो, तो उन्होंने कहा I am smart enough to avail all the options, आप भी हो जाइए, क्या प्रॉब्लम है। और यही हमने रशिया के साथ किया जब वॉर हुई, रशिया से हमने तेल खरीदा, रुपीज में तेल खरीदा, उसका नोमेनक्लेचर चेंज किया और पूरी दुनिया में हमने उसको बेचा, और यूरोप और अमेरिका कुछ ना कर पाए, और यूरोप भी यूक्रेन वॉर के टाइम पर रशिया से गैस ले रहे थे, आप लोगों को ये बात पता होगी। तो जयशंकर जी ने गीला जूता निकाल के मारा था पत्रकार के जो उसने पूछा था। तो रशिया का जो पीछे जो उसका रीजन है वो बेसिक है, इकोनॉमिकल,
सैंक्शन से लड़ना। और ये जो इतना बड़ा संगठन किया, जमावड़ा किया गया है, लोग बढ़ाए गए हैं, और जो मेंबर्स नहीं थे उनको भी इनवाइट किया गया है, तुर्किया भी आया है, ये पुतिन ने दुनिया को एक चीज बताई है कि तुम्हारे सैंक्शंस के बावजूद भी दुनिया मुझे एक लीडर मानती है, दुनिया के लिए मैं बिल्कुल एक एक वो आदमी नहीं हूं जिसको दुनिया बॉयकॉट करके लीडर्स बैठ सकते हैं, मुल्कों पर हम पर भरोसा है, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर दुनिया का बनाएंगे, हमने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है जो इंटरनल लोनिंग कर रहा है, हम तुम्हारे स्विफ्ट मैकेनिज्म की तरह ब्रिक्स ब्रिज सिस्टम बनाएंगे। स्विफ्ट मैकेनिज्म का मतलब ये जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर जिसके ट्रांजैक्शंस बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत ही ये सीक्रेट होते हैं। तो इसी तरह अब ब्रिक्स ब्रिज बनाया जा रहा है, बैंक क्रिएट किया जा रहा है, कॉमन करेंसी की बात हो रही है, इंटरनल ट्रेड होगी तो कॉमन करेंसी में होगी, सऊदी अरेबिया के आने से ऑयल का पावर शिफ्ट होके ब्रिक्स में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये देश सऊदी हो गया, ये हो गया, यूएई भी ऐड किया गया, सॉरी ये अमेरिका के भी साथ इनके गठबंधन है, लेकिन कहीं ना कहीं जब दूसरा गठबंधन एक खड़ा होना शुरू होता है तो भविष्य को देखते हुए तो अमेरिका में तो इस बात की टेंशन है, और ट्रंप ने ये कहा भी था कि अगर आप डीडॉलराइजेशन करेंगे तो आप पे मैं सैंक्शंस लगाऊंगा और आपको इतनी ड्यूटी फलाने फलाने उसमें एक्स्ट्रा आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो रशिया ने तो यह मैसेज दिया है कि आई एम स्टिल अ वर्ल्ड पावर और मेरे बुलाने पर इतने लोग आए हैं, मैं उनका मेजबान था, मैंने उनका होस्ट बना है, यूक्रेन के तुम्हारे सैंक्शन के चलते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। रशिया इस वक्त क्या रशिया ब्रिक्स को, यह भी एक एंटी और एंटी नेटो और एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रशिया अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस खिते के अंदर? तीसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस वेस्ट को एक जैब है, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने, 3800 किलोमीटर का एक जो बॉर्डर है चाइना इंडिया के साथ उसका उन्होंने तनाजा अपना ठीक किया, 52 दफा उनके ट्रूप्स मिले थे, उनकी टॉक्स हुई थी, उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना और फिर उसका उसके उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, वीक फॉरेन, चाइना फायदा उठा रहा है उसका, चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है, वो ताइवान ले जाना चाहता है, और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक एक चैलेंज है, वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। दुनिया तेजी से आगे जा रही है, पुराने पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। अगर ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बनेगा? इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विद पाकिस्तान। हमें दुनिया अगर कहती थी कि ये दहशतगर्द, इनके माशाल्लाह ठीक नहीं है, और भाई अब मैं बताता चलूं, हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ पर खाते पीते रहते हैं, हमारे दुनिया पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी हमारे पास, सबसे बेहतरीन इकॉनमी हमारे पास मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक जरूरी है, इसका कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। इतने मुल्कों के साथ बॉर्डर लगते हैं, इतने ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर्स में इशू है, इंडिया को चाइना को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि एक आधा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए या एक आधा कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। पहली बात तो यह है कि हम हैं कहां। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है डिप्लोमेसी को अगर देखा जाए, पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स और ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इसके रिजॉल्व करने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विद पाकिस्तान। चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते हैं, ये है
वो बड़ा डिफरेंस। इसीलिए इंडिया ने तकरीबन 25 राउंड जो हैं वो किए हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की, तो मसले सॉल्व नहीं हुए, तो लिहाजा अब सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, मैनेज की तरफ जाते हैं ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डालें। जबकि चाइना के साथ वो समझते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर है कि इसको इट्स टू बिग टू बी इग्नोर्ड, और उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, और अगर ये चीज़ सामने आ गई है तो इसको फटाफट ठीक किया जाए, लेकिन इतना को ठीक किया जाए कि इंडिया की जो रेलिवेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड तक रही जाए रहे। क्योंकि ये भी एक तासुर है कि इंडिया चाहता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली अमेरिकन आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इसका चाइना के साथ मसले हैं। और उसको रिसेंटली जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी छापी थी कि और थ्रू सैटेलाइट्स उन्होंने बताया था कि चाइना ने कितने गांव LAC के ऊपर बना लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहरहाल इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री साहब, उन्होंने आज मीडिया से ये बात की कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उसमें पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से फैसला हो गया, गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया। और ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हैं ये जो LAC है उससे बियॉन्ड तक जाते हैं, जहाँ पे उन एरियाज में जहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री जो है वो डिसंगेजमेंट कर सके हैं। सो ये आप समझ लें वो जो इलाके हैं ना डैम चौक एंड डेपसांग के वहाँ तक ये मिलिट्री पेट्रोलिंग होगी। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको, वो कि ये सारा कुछ इंडिया के MEA ने नहीं किया, ये इसमें इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है। लेकिन जयशंकर कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंस डिप्लोमेसी। चाइना के साथ आपको सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ता है, आप एब्रप्टली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। 2020 से पहले 2014 से लेके 20 तक 18 दफा मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले, 18 दफा मिले, और उनको शायद ये था कि मोदी साहब को मैं चीज़ें चाइना के साथ मैनेज कर लूँगा। वो जो जादू की जफ़ी मोदी साहब डालते थे वो नहीं चली। चाइना भाई एक डिफरेंट प्लेयर है, चाइना बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर है, बिल्कुल ही। ठीक है जी, बहुत जिसे कहते हैं ना डिफरेंट प्लेयर है, बहुत डिफरेंट प्लेयर है। वो आसान काम नहीं है वो चाइना से डील करना, डिफिकल्टी सेंस में है ना, बिकॉज उनको पता है कि हमें वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं है, उन्होंने को 5 साल के बाद जाके अवाम के सामने तो पेश नहीं होना होता, उनको तो इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि हमसे क्या पूछेंगे, जो शी जिनपिंग करेंगे शी जिनपिंग फैसला करेंगे। वो पहले 10 साल उन्होंने रूल किया है, 14 से 24 अगले 10 का भी उन्होंने कर लिया, किसी को क्या प्रॉब्लम है? कौन बोल सकता है जी इस हवाले से, कौन उनको कह सकता है कि पाएं तुम इंज करो तेंज ना करो? नॉट इट्स नॉट समथिंग विच अदर नेशंस और इवन इंटरनली कैन आस्क, कोई उनको पूछ ही नहीं सकता, उनसे ये कोई बात ही नहीं कर सकता। सो इंडिया कह रहा है कि हम 2020 से पहले चले गए, ये वो कहते हैं, ये इंडिया की पोजीशन है। अगर ये इंडिया की पोजीशन है और तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी उनके लिए बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है भैया, उस इस वजह से कि इंडिया को अपने आप को, आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर किया था क्यों किया था? आज पाकिस्तान के अंदर कुछ तबके ये समझते हैं दैट वी गेव अ कंसेशन टू इंडिया, हमने इंडिया को कंसेशन दी। किस चीज़ की कंसेशन दी? हमने इंडिया को कंसेशन दी कि भाई साहब आप जो मर्जी तरक्की करनी है तो करें, हम आपकी कोई प्रॉब्लम आपके लिए पैदा नहीं करेंगे और आप हमारे लिए पैदा नहीं करेंगे LOC के ऊपर, वरना दोनों की तरफ देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर या सॉरी LOC के ऊपर झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, बंदे मरते थे दोनों साइड पे, तो द मैसेज जाता था दुनिया को, वो क्या जाता था कि यार वो इंडिया के तो बॉर्डर पर जंग रहती है, पाकिस्तान के साथ भी चाइना के साथ भी। इंडिया ने जो इंडिया को सूट करता था पाकिस्तान के साथ LOC के साथ मामला को ठीक कर लेना इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में। तो और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आफ्टर 370-375 एयर वो करने के बाद पाकिस्तान ने मिलिट्री डिप्लोमेसी की और ये चीज़ें ठीक की। उस वक्त बाजवा साहब ये चाहते थे कि ये चीज़ें ठीक हो जाए ताकि ये मेरी जान छूटे, यार ये क्या इन्होंने तमाशा बनाया हो, ये वो कहते थे ठीक है ना जनाब, कि भाई हमारी जान छूटे, हम मूव ऑन करें इंडिया के साथ, बिल्कुल वो कहते थे। आज की अपोजिशन क्या है?
आज पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन आता है, भाई ये आपने क्या किया, आपने इंडिया को फ्री हैंड दे दिया, इंडिया ने आपके साथ किसी और टॉपिक पे बात भी कोई नहीं की, इंडिया ने किसी और टॉपिक पे आपके साथ बात भी नहीं की, एक ही उन्होंने आपसे बात की है, एक ही उन्होंने आपके साथ बात की है, और वो क्या बात है, वो ये वाली कि वो LOC कर लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान यहां पर भी गया था भीख मांगने। कल की वीडियो आपने देखी होगी जहां पर हम बता रहे थे कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ था कि हमें भी ब्रिक्स का मेंबर बना लो, लेकिन यहां पर उन्हीं कंट्रीज को मेंबर बनाया जा रहा है जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। हालांकि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनकी अनुमति, उनकी सहमति के बिना मेंबर्स ऐड नहीं किए जा सकते, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। हालांकि 5 मेंबर ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं जिसमें UAE, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान, सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज हैं, ये एनर्जी रिच कंट्रीज हैं, तो इस वजह से इनको पहले मौका दिया गया है। और ब्रिक्स की अपनी करेंसी भी आने वाली है ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन को कुछ सैंपल्स दिए गए थे और पुतिन उस सैंपल को समिट के अंदर घुमा रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि ये ब्रिक्स करेंसी है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी उस समय पर अमेरिका ने रशिया के जितने भी करेंसी थी, जितना भी पैसा डॉलर में था, उस पर सेंशन लगा दिया, वो पैसा नहीं निकाल सकता था। अब ये अमेरिका की मोनोपोली हो गई कि सारा ट्रेड जो हो रहा है डॉलर्स में हो रहा है, लेकिन उसके बाद दुनिया की आंखें खुली, दुनिया के देश अब अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगे। आपने देखा इंडिया ने रशिया से उस समय पर सेंशन के डर से तेल लेना नहीं छोड़ा। अगर वहां पर भारत तेल नहीं लेता तो हो सकता था इंडिया पर सेंशन लग जाते। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर अमेरिका भारत से कह रहा था कि तुम्हें रशिया से तेल नहीं लेना चाहिए, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने दो टूक जवाब दिया कि हमें रिक्वायरमेंट है, हम जरूर लेंगे। और उसका जिस तरह से नॉमनक्लेचर चेंज हुआ, फिर उसको यूरोप बेचा गया, भारत ने उस पर भी पैसा कमाया। और क्यों नहीं, जब आपका इंटरेस्ट किसी और चीज पर है, अपने कंट्री में आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी और देश से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ये आपकी अपना इंटरेस्ट है। लेकिन जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि रशिया ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो यहां पर पाकिस्तान को ऐड नहीं किया गया है और पाकिस्तान का रोना धोना चालू हो चुका है। चाइना ने 2020 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग करने का जो डॉक्यूमेंट साइन किया, इसके बाद वेस्ट की आग लग चुकी है, वेस्ट के पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है ब्रिक्स करेंसी देकर। ब्रिक्स में 36 मेंबर्स को बुलाया गया था, और जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के चीमा साहब कहते हैं कि 37th कंट्री पाकिस्तान हो सकता था। अब पाकिस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी है, अब पाकिस्तान में आए दिन आपको टेररिज्म बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसी कंट्री पे कौन भरोसा करेगा, और पाकिस्तान भरोसा करने लायक नहीं है। वहीं तुर्की भी आया हुआ था, तुर्की पर भी अभी तक एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सारी कंट्रीज धोखेबाज कंट्रीज हैं। वहीं ब्रिक्स की करेंसी को देखकर यही लग रहा है कि आने वाले समय में डी-डॉलराइजेशन आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेगा, और सारा ट्रेड ये कंट्रीज अगर करती है आपस में तो ब्रिक्स करेंसी में ही करेंगी। आपके क्या विचार है, अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।